ऐसा है, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को राम राम। और संभाल के की बात है, भारतीय जनता पार्टी सबसे पार्टी अच्छी है और इसके नेतृत्व में बीजेपी की जो भी मान ले हमारे मनमोहन बढ़ाना है वह भारतीय जनता पार्टी से है और उनका रुझान भी अच्छा है यहाँ पर संभाल के में। और जो ये काम कर रहे हैं मैं अपने ढंग से कर रहे हैं और इस संभाल के में पहले भी इलेक्शन लड़े हुए हैं तो मैं पहले भी जीत में रहे हैं। अच्छी उनने सभ्यता सिखाई है संभाल के में और लोग उसको ही चाहते हैं। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी है और ऊंचे लेवल से है, ठीक है। और कांग्रेस के क्या है, कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। कांग्रेस ने तो लूटा खसोटा ये काम कांग्रेस के किए हुए हैं, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत अच्छे काम किए हैं यहाँ संभाल के में। और मनमोहन भडाना अच्छे आदमी है और अच्छा विचार है, अच्छे काम करेंगे और हमारे नेता भी बढ़िया है ये। क्या वजह है कि लोगों का रुझान इस बार कांग्रेस की जगह बीजेपी पे ज्यादा है? ऐसा है, जो हमारे संभाल के हल्के में 84 गांव है, मंदिर में मस्जिद में भी और जो दादा खेड़ा होता है अपना उस पर भी आगले ने बढ़िया दान किया, लाखों रुपए का योगदान किया हर गांव में, हर गांव में। और अच्छे कैंडिडेट हैं और अच्छा इसका परिवर्तन रहा है। तो इस बार मतलब लोगों ने मन बना लिया है? मन मिला लिया क्या है राम, ये मन क्या है मिला लिया है, मतलब भारतीय जनता पार्टी इतनी वोटों जीतेगी अब हम सोच भी नहीं पाएंगे। मन इतना मना चुके हैं भारतीय जनता पार्टी और ये संभाल के में एक तरफा मनमोहन भडाना, करतार सिंह भडाना, इसका परिवार भी अच्छा है पीछे। और लोग क्या कहते हैं अग भाई ये भारी है, भारी नहीं है, उसका दिल देखो, परिवार देखो कितना अच्छा परिवार है पीछे। और क्या है, इन्हें इतने दान कर चुके हैं संभाल के अंदर, को सोच भी नहीं पाएगा। जो आने वाला विधायक होगा ना कांग्रेस का हो या किसी का भी हो, वो बन भी गा जब भी काबू नहीं आएगी बात। इतना इन्हें दान किया लाखों रुपये में, हर गाँव में दिया ने लाखों रुपये से, मंदिर मस्जिद हर तरह का हुआ है। और जो गरीब आदमी है उसका सही होगी है, सबसे बढ़िया मनमोहन करतार सिंह भडाना अच्छे परिवार से है, अच्छा हुआ है। अरे बात बहनों का भारी है, भारी नहीं है वो, भारी क्यों नहीं है, वो दान देने में भी अच्छा है, उसका रुझान भी अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी एक नंबर की पार्टी है इस टाइम पे, अच्छा काम करेगी। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा है शमशेर, संभाल का। तो इस बार आपने और यहाँ की जनता ने पूरा रुझान बना लिया बीजेपी को लाने का? एक तरफा 11 बजे मनमोहन भडाना हमारे से जीत कर जाएगा, अच्छी वाह है, अच्छा कर रखा, विचार भी अच्छे हैं, सबसे बड़ी बात है विचारों की। और अच्छा ये काम करेगा नेतृत्व और सुन रही आगे की सेम की नायब सैनी बहुत बढ़िया आदमी है भारतीय जनता पार्टी में, नायब सैनी का नेतृत्व में हम वोट डालेंगे और इसका धन्यवाद भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इससे ऊपर कोई नहीं है, 11 बजे भारतीय जनता पार्टी जीत में जाएगी पूरे हरियाणा के अंदर, यानी पूरे हरियाणा के अंदर, ये दाव के साथ कहता हूँ मैं।